हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अनीता नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप में से मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैम मेरे फेस पे पिंपल हो गए हैं छोटे छोटे, उसमें ब्लैक हेड व्हाइट हेड जैसे प्रॉब्लम रहते हैं फेस पे और उनका फेस बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो रहा है। बहुत सी चीज़ों को उन्होंने ट्राई कर लिया है लेकिन फिर भी वो रिमूव नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के भी अगर ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं फेस पे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट मुझे पढ़ना और उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग प्लीज़ अपने प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम होममेड फेस वॉश बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून इस तरीके से मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा हमें चाहिए चंदन पाउडर, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद हमें ले लेना है थोड़ा सा टर्मरिक। फ्रेंड्स, तो आपको एक चुटकी इस तरीके से हल्दी ले लेना है। मैंने कस्तूरी हल्दी लिया है, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी हो तो बेस्ट है, अगर ना हो तो आप घर वाली हल्दी भी आपको चुटकी भर ले लेना है। उसके बाद ले लेना है आपको एलोवेरा जेल, आपके पास जो हो वो आप ले सकते हैं इस तरीके से। और ले लेना है थोड़ा सा आपको रोज वाटर। अभी सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, तो आपको अपना फेस अच्छे से गीला कर लेना है और ये जो हमने होममेड फेस वॉश बनाया है उससे आपको अपने पूरे फेस पे अच्छे से आपको फेस को क्लीन कर लेना है। ये प्रोसेस फ्रेंड्स आपको 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पे अच्छे से करना है। ये 2 से 3 मिनट आपको मसाज करना ही करना है, उसके बाद अपने फेस को क्लीन कर लेना है। फ्रेंड्स, तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपकी स्किन बहुत ही अच्छी आपको ब्राइट लगने लगी। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकेंड स्टेप देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप के लिए इस तरीके से आपको बाउल ले लेना है। फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से मसूर ले लेना है पिसा हुआ, लेकिन फ्रेंड्स ये हल्का दरदरा होना चाहिए, 1/2 टेबल स्पून आपको ले लेना है। उसके बाद ले लेना है आपको चुटकी भर इसमें ले लेना है हल्दी, आपके पास जो हो वो आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, तो 5 से 6 बूंद हमें इसे लेमन का जूस भी ऐड कर देना है। उसके बाद ले लेना है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि आपको कर्ड बिल्कुल थिक वाला आपका कर्ड होना चाहिए इस तरीके से। और फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से कॉफ़ी पाउडर ऐड कर देना है, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा स्क्रब बन गया है। तो जब हम फेस वॉश कर लेंगे उसके बाद हमें इस स्क्रब को अपने फेस पे अच्छे से स्क्रब कर लेना है। फ्रेंड्स, जब आपका हल्का फेस गीला ही होगा फिर उसमें आपको अच्छे से स्क्रब भी अप्लाई कर लेना है। बहुत ही अच्छे से स्क्रब करना है आपको, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके फेस के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके होममेड होने के कारण फ्रेंड्स इसके पूरे बेनिफिट आपके फेस को मिलेंगे और आपकी स्किन धीरे धीरे हेल्दी और शाइनी लगने लगेगी। और फ्रेंड्स, जिनको थोड़ा सा धूप की वजह से टैन हो गया है वो भी रिमूव होने लगेगा। फ्रेंड्स, तो मैंने जैसा बताया है वैसे ही अगर आप सेम करते हैं तो आपको 7 से 8 दिनों में, हफ्ते में ही आपको विजिबल रिजल्ट आपको अपने फेस पे लगने लगेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे 3 मिनट हो चुके हैं। अब अगर जहाँ पे आपके ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है वहाँ आपको अच्छी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरीके से लेना है, थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में। और जहाँ पे आपको पिंपल की प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से स्क्रब करना है, फोरहेड पे, चिन पे, जहाँ पे भी हो आप वहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को वॉश करके दिखाती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी क्लियर और क्लीन लग रही है। और फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है कि आपके पिंपल को ही रिमूव करेगा, ये पिंपल के साथ साथ आपके स्किन टोन में भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जब प्रोसेस हो जाए उसके बाद आपको कोई भी एक मॉइस्चराइजर लगा लेना है, चाहे तो आप ये भी लगा सकते हैं या तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे से अपने पूरे फेस पे एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेना है। और आप अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं इस तरीके से। और फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को आपको नाइट में ही करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी क्लियर लग रही है।
तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को रात में इसलिए करने को मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमारी जब स्किन होती है रात में ही अच्छे से रिपेयर हो पाती है, क्योंकि डे में अगर आप इस सब प्रोसेस को करते हैं और बाहर निकलते हैं तो फिर से आपकी स्किन में गंदगी जमा होने लगती है। और फ्रेंड्स इसको बॉय गर्ल सभी लोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको यूजफुल लगी होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और जो लोग फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आगे लेकर आने वाली हूँ। और अगर कोई भी आपके प्रॉब्लम होते हैं उससे रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए लेके आओ, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।